आज की वीडियो में हम प्रमोशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि एच आर मैनेजमेंट के अंदर वर्ड प्रमोशन के क्या मीनिंग होते हैं प्रमोशन क्यों दी जाती है या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या प्रमोशन का पर्पस क्या होता है प्रमोशन की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे फिर बेसिस फॉर प्रमोशन को स्टडी करेंगे कि प्रमोशन किस बेस पर दी जाती है और प्रमोशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं वट इज़ प्रमोशन एचआर मैनेजमेंट में प्रमोशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी इम्प्लॉय का अपनी करंट जॉब पोजीशन से अपवर्ड मूव करना ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर डिफाइन होता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लॉयज़ अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो विद इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी भी इम्प्लॉय का अपवर्ड मूव करना अपनी करंट जॉब पोजिशन से इसे कहते हैं प्रमोशन जब भी किसी इम्प्लॉय को प्रमोशन मिलती है तो इससे उसकी सैलरी बढ़ जाती है उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है उसके पास ज़्यादा पावर आ जाती है उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं अब प्रमोशन की हम कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीनियर एडमिन ऑफिसर थे उनको डायरेक्टर एडमिन बना दिया गया इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीम लीडर था तो टीम लीडर को मैनेजर बना दिया गया या एक एरिया सेल्स मैनेजर थे तो एरिया सेल्स मैनेजर को रीजनल सेल्स मैनेजर बना दिया गया इसी तरह अगर कोई डायरेक्टर थे तो डायरेक्टर को जनरल मैनेजर बना दिया गया या अगर कोई जनरल मैनेजर थे तो उनको सीईओ बना दिया गया बेसिकली प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर अपवर्ड मूवमेंट को कहते हैं प्रमोशन के अंदर हमेशा अपवर्ड मूवमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तीन तरह के मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं टॉप मैनेजमेंट होती है मिडिल मैनेजमेंट होती है और लोअर मैनेजमेंट होती है तो किसी भी इम्प्लॉई का लोअर मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट में जाना या मिडिल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट में जाना अब मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं आपके जनरल मैनेजर्स आते हैं रीजनल मैनेजर्स आते हैं डायरेक्टर्स आते हैं तो किसी भी जनरल मैनेजर का चीफ एग्जैक्टिव ऑफिसर बनना सी बनना ठीक है तो ये बेसिकली मूवमेंट होती है मिडल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट की तरफ इसे हम कहते हैं प्रोमोशन अब प्रमोशन का पर्पस क्या होता है या प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इससे इम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है इंकरेजमेंट डेवलप होती है मोटिवेशन और इंकरजमेंट कैसे आती है कि जब भी कोई इम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है और उसकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसकी इंसेंटिव्स बढ़ जाते हैं उसकी पे बढ़ जाती है और उसके पास अथॉरिटी आ जाती है या उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है तो इससे क्या होता है कि इससे इंप्लॉयज के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है उस उनके अंदर इंक्रेजमेंट आती है कि वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिले और उनके पास पावर ज़्यादा आए नेक्स्ट है टू डिवेलप कंपेटिटिव स्पिरिट अब कम्पटिव स्पिरिट कैसे डेवलप होता है कि जो इम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है ना तो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसको प्रमोशन मिलती है उसकी सैलरी इंक्रीज होती है उसका डेजिग्नेशन चेंज होता है तो इसी तरह उसको देखते हुए दूसरे इम्प्लॉयज़ के अंदर भी कम्पटेटिव स्पिरिट आता है दूसरे इम्प्लॉयज़ भी अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको भी प्रमोशन मिले उनकी भी सैलरी इंक्रीज़ हो उनका भी डेजिग्नेशन चेंज हो जाए नेक्स्ट है टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्किल्ड कॉम्पिटेंट एंड हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ अब इसका क्या मतलब होता है कि अट्रैक्ट एंड रिटेन का कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने इम्प्लॉयज़ को प्रोमोशंस देती है तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैलेंटेड इम्प्लॉयज़ आते हैं बिकॉज लोगों को पता होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा है अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमें इंसेंटिव्स मिलेंगे रिवॉर्ड्स मिलेंगी तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए और फिर वो रिटेन भी होते हैं रिटेन का मतलब ये होता है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उस उनकी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट वो प्रोमोशन्स मिलेंगे और अगर लोगों को प्रमोशंस नहीं मिलती तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं वो रिटेन नहीं रहते नेक्स्ट है टू फिल वेकेंट जॉब पोजिशन अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब टॉप पोजिशन वेकेंट होती हैं किसी भी वजह से कोई इम्प्लॉज़ जब जॉब छोड़ के चला जाता है या उसकी रिटायरमेंट होगी या उसकी डेथ होगी या उसकी ट्रांसफ़र होगी तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जॉब पोजीशन वैकेंट हो जाती है तो वैकेंट जॉब पोजिशन को फिल करने के लिए नीचे वाली जॉब पोजीशन से किस इम्प्लॉयज़ को अपवर्ड मूव कर दिया जाता है जो इम्प्लॉयज़ नीचे वाले रैंक में काम कर रहे होते हैं उनके थ्रू उन वैकेंट जॉब पोजिशन को फिल कर दिया जाता है अब हम टाइप्स ऑफ प्रमोशन को स्टडी करते हैं प्रमोशन की तीन टाइप्स होती हैं हॉरिजोंटल प्रमोशन वर्टिकल प्रमोशन ड्राई प्रमोशन हॉरिजॉन्टल प्रोमोशन अब हॉरिजॉन्टल प्रोमोशन के अंदर क्या होता है कि इम्प्लॉई की सैलरी बढ़ जाती है उसका रैंक बढ़ जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं लेकिन उसकी जॉब क्लासिफिकेशन सेम ही रहती है अब जॉब क्लासिफिकेशन के सेम रहने का क्या मतलब होता है कि इम्प्लॉई जिस जॉब पोजिशन के ऊपर काम कर रहे होता है उसकी जो जॉब नेचर होती है वो वही रहती है जो काम वो पहले परफॉर्म कर रहे होता है ना वही काम वो बाद में भी परफॉर्म करता है लेकिन उसकी पे बढ़ जाती है उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर हाउस है उसके अंदर एक प्रोग्रामर काम कर रहा है तो उसको प्रमोशन देकर सीनियर प्रोग्रामर बना दिया जाता है तो करनी तो उसने प्रोग्रामिंग ही है उसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है एज ए प्रोग्रामर काम करना है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं उसकी पे बढ़ जाती है उसका रैंक बढ़ जाता है लेकिन उसकी जॉब क्लासिफिकेशन सेम रहती है कि वो जिस डिपार्टमेंट में पहले काम कर रहा होता है उसी डिपार्टमेंट के अंदर वो बाद में भी काम करता है प्रमोशन के बाद नेक्स्ट है वर्टिकल प्रमोशन अब वर्टिकल प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इंप्लॉयी की सैलरी भी बढ़ती है उसका रैंक भी बढ़ता है उसका डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होती हैं लेकिन इसके साथ ही साथ उसकी जॉब क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाती है फॉर प्रमोशन के अंदर हमने देखा ना कि उसकी जॉब क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होती जबकि वर्टिकल प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि उसकी जॉब क्लासिफिकेशन भी चेंज हो जाती है फॉर एग्जाम्पल पहले एक इम्प्लॉय सुपरवाइजर था तो उसे मैनेजर बना दिया और कोई इम्प्लॉय जनरल मैनेजर था तो उसे सीईओ बना दिया तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका पे भी इंक्रीज होगी आपका रैंक भी चेंज हो जाता है डेजिग्नेशन भी चेंज होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ जॉब क्लासिफिकेशन भी चेंज होती है जैसे सुपरवाइजर को मैनेजर बना दिया गया या जनरल मैनेजर को सी बना दिया थर्ड टाइप ऑफ प्रमोशन इज़ ड्राई प्रमोशन अब ड्राई प्रमोशन जैसे कि ये अपने नाम से ऑब्वियस है ना यहाँ पे क्या होता है कि इम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं उसका डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाता है लेकिन उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स सेम रहते हैं मतलब उसके फाइनेंशियली कोई फायदा नहीं होता बल्कि उसका डेजिग्नेशन या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक सीनियर प्रोफेसर थे किसी कॉलेज के अंदर उनको एच ओ डी बना दिया गया तो यहाँ पर उनकी कोई सैलरी इंक्रीज नहीं हुई बल्कि उनका डेजिग्नेशन चेंज हो गया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई ऐसी जो प्रमोशन होती है वो कहलाती है ड्राई प्रमोशन प्रमोशन की नेक्स्ट टाइप है ओपन एंड क्लोज प्रमोशन ओपन प्रमोशन का ये मतलब होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी जॉब पोजीशन वेकेंट होती है तो हर एम्प्लॉय के पास इक्वल चांस होता है कि वो हायर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सके इसे कहते हैं ओपन प्रमोशन मतलब ऊपर वाली जॉब पोजीशन से कोई इंप्लॉय जॉब छोड़कर चला गया उसकी रिटायरमेंट होगी या उसकी ट्रांसफर होगी तो ऐसे केस में जब वो जॉब पोजिशन वेकेंट हो जाती है तो ओपन प्रमोशन के केस में हर इंप्लॉय के पास इक्वल चांस होता है कि वो उस जॉब पोजिशन के लिए अप्लाई कर सके नेक्स्ट है क्लोज प्रमोशन अब क्लोज प्रमोशन के अंदर लेक्टेड एम्प्लॉयज आर अलाउड टू अपलाई फॉर हायर जॉब पोजिशन अब इस केस में क्या होता है कि सिर्फ सेलेक्टेड एम्प्लॉयज को अलाउ किया जाता है कि वो हायर जॉब पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकें यहाँ पे हर इंप्लॉय हायर जॉब पोजिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते नेक्स्ट है बेसिस फॉर प्रोमोशन कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के अंदर प्रोमोशन किस बेस पर की जाती है प्रमोशन की तीन बेसिस होती हैं फर्स्ट है प्रमोशन ऑन मैरिट बेसिस कि यहाँ पे जो प्रमोशन दी जाती है ना वो मैरिट की बेसिस पे दी जाती है कि वो इम्प्लॉयज़ जिनके पास स्किल्स अच्छी हैं जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है जिनका नॉलेज अच्छा है या जिनकी अचीवमेंट्स ज़्यादा है या जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है उनको प्रमोशन दी जाती है ऐसी प्रमोशन कहलाती है मैरिट बेसिस प्रमोशन नेक्स्ट है प्रमोशन ऑन सीनियोरिटी बेसिस अब यहाँ पे इंप्लॉयज़ की लेंथ ऑफ सर्विस को देखा जाता है कि जिस इम्प्लॉय की लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा होती है उसको पहले प्रमोशन दी जाती है और जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस कम होती है ना उसको बाद में प्रमोशन दी जाती है तो यहाँ पे प्रमोशन का क्राइटेरिया लेंथ ऑफ सर्विस होता है नेक्स्ट है प्रमोशन ऑन मेरिट कम सीनियोरिटी बेसिस अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि यहाँ पे मेरिट को भी देखा जाता है और सीनियरिटी को भी देखा जाता है कि किस इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है और उसकी सीनियरिटी कितनी है तो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और साथ में सीनियरिटी भी होगी उसको प्रमोट कर दिया जाता है नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ प्रमोशन कि अब प्रमोशन से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं सबसे पहला बेनिफिट तो ये है ना कि इससे इंप्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है जब इंप्लॉयज़ को अपनी परफॉर्मेंस की अगेंस्ट इंसेंटिवस मिलते हैं रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनकी डेजिग्नेशन चेंज होता है उनका जॉब स्टेटस चेंज होता है ना तो इससे इंप्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन डिवेलप होती है नेक्स्ट है टू एक्नॉलेज और रिवॉर्ड हाई परफॉर्मेंस कि इम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करने के लिए उनको रिवॉर्ड देने के लिए प्रमोशन दी जाती है वेकेंट जॉब पोजिशन आर फिल्ड विद इन नो टाइम अब प्रमोशन के केस में क्या होता है कि जो वेकेंट जॉब पोजीशंस होती है ना उनको विद इन नो टाइम फिल कर दिया जाता है कि जैसे ही ऊपर से कोई जॉब पोजीशन वैकेंट हुई तो नीचे से इंप्लाइज को प्रमोट करके उस जॉब पोजीशन को फिलअप कर दिया जाता है अब प्रमोशन का एक अगला फायदा ये होता है कि इससे आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज होती है यहां पे क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही इंप्लाइज को अपॉइंट कर देते हैं ऊपर वाली जॉब पोजीशन से तो यहाँ पे उनको अलग से ट्रेनिंग दिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की वर्क मैनेजमेंट के बारे में वो जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में वो पहले से ही जानते हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको अलग से एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दिलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को लेके आएंगे किसी जॉब पोजिशन को फिल करने के लिए तो आपको ट्रेनिंग भी दिलवाना पड़ेगी जिसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट बढ़ जाती है